इस प्रेस वार्ता में हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, हमारी सीनियर स्पोक्स पर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की ICC की चेयरमैन मैडम सुप्रिया सुनेह जी विशेष रूप से आज की इस प्रेस वार्ता में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपके और प्रेस वार्ता के बीच में ना रोकते हुए मैं सबसे पहले श्री देवेंद्र यादव जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात करें। ऑन करो। धन्यवाद अनिल भाई। सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी भाई अनिल जी ने बताया, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित हमारी बहुत ही सम्मानित मीडिया डिपार्टमेंट की हेड आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी आपसे मुखातिब हो, उससे पहले मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी एक बार लगातार कहते रहे कि मोदी जी की सरकार में गरीब जिस तरीके से लगातार गरीब होता जा रहा है और कुछ चंद व्यापारी निरंतर उनकी अमीरी बढ़ती जा रही है और देश में जिस तरीके का ये एक बहुत बड़ी खाई अमीर और गरीब के बीच में बनती जा रही है, उसकी चिंता माननीय राहुल गांधी जी अक्सर अपने वक्तव्य में अपनी बातों में करते रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल जारी हुई, उसमें वो नेक्सस बिल्कुल सामने खुलकर सामने आ गया है और अब मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात दबी या छिपी रह गई है कि जिन लोगों को देश की सुरक्षा, देश की संपत्ति की सुरक्षा, देश के जान माल की सुरक्षा के लिए चुनकर भेजा था, आज कहीं ना कहीं वही इन सब में संलिप्त नज़र आते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके की सेबी की भूमिका के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है, सेबी जो एक न्यूट्रल एजेंसी होनी चाहिए, जिसका कर्तव्य था वो जब पार्टी बन जाए तो कहते हैं कि जिसको सुरक्षा और रक्षा में रखा अगर वही भेड़िया बन के उस माल को खाना शुरू कर दे तो कोई चीज़ बचती नहीं है। तो मैं तो क्योंकि आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता था, डिटेल में आदरणीय सुप्रिया जी हम सबको बताएंगे किस तरीके से इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या हमारी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, लेकिन निश्चित ही हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इसकी एक स्वतंत्र जो जांच निश्चित ही होनी चाहिए और इसके ऊपर पूरे देश में हम कल धरना और प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। उसी क्रम में दिल्ली भी कल जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है, विस्तार से उसके बारे में भाई अनिल जी बताएंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी को। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष मेरे भाई श्री देवेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी और आप सब पत्रकारों को मेरा प्रणाम। एक बहुत अहम मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता है और मुद्दा अहम इसलिए है क्योंकि इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच की जिस खाई का उल्लेख देवेंद्र भाई ने किया वो इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और अमीरों में भी जो कुछ चंद पूंजीपति हैं उन्हीं के लिए नीति निर्माण होगा, उन्हीं के हिसाब से रेगुलेटर लगेंगे, उन्हीं के हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज लगेंगी, उन्हीं के हिसाब से ऑफिशल्स लगाए जाएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है?
मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारे यहाँ एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये बात मैंने AICC के मंच से भी कही थी, तो यहाँ पर पुनः उसको दोहराना चाहती हूँ। एक गांव था, वहाँ पर रात में डाका पड़ा, फिर अगली रात डाका पड़ा, फिर डाका पड़ा, ये सिलसिला चलता जा रहा था। लोग परेशान थे, इसलिए ज़्यादा परेशान थे क्योंकि गांव का मुखिया भी डाकुओं के साथ मिला हुआ था। तो बेचारे क्या करते, वो दौड़े दौड़े कोतवाल के पास गए। कोतवाल से कहा जांच कीजिए। कोतवाल कभी कोई बहाना बनाए, कभी कोई और बहाना बनाए, आनाकानी करें, लोग परेशान। फिर बाद में पता चला कि डाके का एक हिस्सा तो कोतवाल को भी मिलता था। तो इसीलिए जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अडानी मोदी महाघोटाले में जो रेगुलेटर है, जिसको मार्केट नियंत्रित करना है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब उसी की भूमिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगा दिया है। अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से है। इसको आपके जैसे कुछ प्रबुद्ध पत्रकारों ने हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट किया है। ये खोजी पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा था। और पहले हम बात अडानी और सेबी की ही कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत महाघोटाला है जिसकी परत दर परत जब जब खुलती है तो एक नया भ्रष्टाचार का आयाम सामने खड़ा नजर आता है। अभी तक अडानी के शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन, पैसों की राउंड ट्रिपिंग, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यही सब सामने आ रहा था। अब सामने आता है कि जिस सेबी को ये जिम्मा दिया गया था कि आप इस महाघोटाले की जांच करिए, और जिस सेबी ने 18 महीने तक मामला अटकाए रखा, जिस सेबी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें जांच में कुछ मिल नहीं रहा है, अब पता चलता है कि सेबी की जो प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं, उन्हीं का इसमें संलग्नता के आरोप लगे हुए हैं। और आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप लगे हैं कि सेबी प्रमुख बनने से पहले उनका ऐसे फंडों में निवेश था जिन फंडों की वो जांच कर रही थी। आरोप है इन फंड से वो व्यक्ति संलग्न थे जो कि अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके थे। आरोप था और आरोप है हिंडनबर्ग के माध्यम से कि अगोरा कंसल्टिंग के माध्यम से उन्होंने मोटी कमाई करी, अपनी आज की सैलरी का 4.5 गुना रेवेन्यू एक साल में कमाया, उसको काम यही मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि उनके पति जो एक इंजीनियर हैं और यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट देखते थे, खरीद देखते थे, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। माधवीपुरी बुच जी रीट्स का प्रमोशन करती हैं, म्यूचुअल फंड की तरह ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और बाद में पता चलता है उनके हस्बैंड इसी में एडवाइजर हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना लंबा है कि जिस फंड में निवेश किया उसी फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध भी था। तो सवाल ये स्वतः उठेगा कि क्या ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था। शुड शी हैव रिक्यूज्ड हरसेल्फ, पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जांच की समिति बिठाई, जिसके सामने सेबी ने अपना पक्ष रखा, क्या उस समिति को, क्या देश के उच्चतम न्यायालय को आपने ये बताया कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी, फिर मैंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए वो फंड, क्या ये बातें बताई गई? क्या ये बातें बताई गई कि 2017 से 2022 तक मेरी संलग्नता कंसल्टिंग फॉर्म में भी रही? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये बातें नहीं बताई गई तो इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखने का अधिकार इस देश के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को किसने दिया? और सरकार क्यों चुप है? आप रेगुलेटर अपॉइंट करते हैं, रेगुलेटर इज फाउंड विद हर हैंड इन द कुकी जार, और आप चुप रहिएगा। और इस अडानी महाघोटाले की परत दर परत
होती जाएगी। और अब मैं उल्लेख आपका फिर से अडानी महाघोटाले से जरूर कराना चाहती हूँ, क्योंकि अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उसमें CBI, उसमें ED, उसमें इनकम टैक्स, मोदी जी ने सबका अच्छा प्रयोग किया है कि अडानी जी चकाचक इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। और बड़े एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मैं 5-6 चीजों का उल्लेख कर देती हूं। जून 2017 में NDTV पर छापा पड़ता है, प्रणय रॉय पर छापा पड़ता है। 6 मार्च 2023 को अडानी जी NDTV के मालिक बन जाते हैं। दिसंबर 2020 में CCI की टीम ACC और अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापा मारती है। सितंबर 2022 में अडानी समूह अंबुजा सीमेंट को अधिग्रहित करके अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। ED मुंबई एयरपोर्ट में रेड्डीज GVK समूह पर छापा मारती है, उनको नोटिस भेजती है। 2020 में 2021 में मुंबई एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट बन जाता है। आयकर अधिकारी नोएडा में क्विंट के दफ्तर पर छापा मारते हैं 2018 में, और 2023 में 5 साल के अंदर अडानी 48 करोड़ रुपए में क्विंट का बिजनेस खरीद लेते हैं, जो मीडिया कंपनी है। नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट में आयकर अधिकारी की छापेमारी होती है 2018 में, और 2020 में अडानी पोर्ट्स और SEZ कृष्णापट्टनम का अधिग्रहण कर लेता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, और इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण करने में अडानी को पीछे छोड़ दिया 27 जून 2024 में। 8 साल की जांच के बाद अब CBI ने आदित्य बिरला समूह को हिंडालको पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया। तो या तो आप डराकर, धमकाकर, ED, CBI, इनकम टैक्स की छापे मरवाकर वो स्थानांतरण करा रहे हैं, कौड़ियों के दाम पर बिजनेस बेचे जा रहे हैं अडानी जी को, या अगर किसी ने उनसे बेटर सौदा करके बिजनेस खरीद लिया जिस रेस में अडानी जी भी थे, तो अब आपके पीछे CBI, ED, इनकम टैक्स पड़ जाएगी। क्योंकि आगे के लिए अगर अडानी जी ने किसी पर नजर डाली है तो खबरदार, उस बिजनेस की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखा। यह संदेश नरेंद्र मोदी इस देश के अधिकांश कारोबारियों को देना चाह रहे हैं, और यह दुरुपयोग है। आप सिर्फ ईडी CBI इनकम टैक्स विपक्ष के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ हर उठती आवाज की मुखालफत में नहीं, उनके मुखालफत में भी खड़ा करते हैं जहां अडानी जी को बिजनेस से खतरा है। SBI और LIC सरकारी संस्थान, इन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से हैं, लेकिन इन्होंने अडानी के कॉपर प्लांट का, नवी मुंबई में एयरपोर्ट का और यूपी में एक्सप्रेसवे का सारा ऋण इन्होंने दिया। FPO में इन्होंने खरीद इसलिए करी क्योंकि अडानी के पास इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे, ये सरकारी कंपनियां हैं, किसकी जवाबदेही है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, 45 करोड़ SBI के अकाउंट होल्डर हैं, इनकी जवाबदेही गौतम अडानी की है या नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि सरकार इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। सारी की सारी विदेश नीति अडानी जी के लिए बन रही है भाई। सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, तुझे जो है पसंद वही बात करेंगे। श्रीलंका गए तो श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा बताने लगे, वो अडानी जी को मिल जाता है। श्रीलंका में ऊर्जा का सौदा था, वहां के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि वो अडानी ग्रुप को दिया जाए। बांग्लादेश गए, वहां पर अडानी को बिजनेस मिल गया। अब कानून बदलकर जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड में बिजली पैदा की जा रही थी, वो अब इंडिया में भी बेची जाएगी। हर कानून सिर्फ अडानी जी के लिए बदला जाएगा। इसराइल गए, अडानी जी को बिजनेस वहां का लेकर चले आए, वहां का पोर्ट अब अडानी जी संभालेंगे। क्यों? बाकी देश के कारोबारी क्या करेंगे, सरकारी कंपनियां क्या करेंगी, बाकी प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? तो पूरी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन नीति है हमारी, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो अडानी जी को बिजनेस दिलाने में है। और कागज उठाकर देख लीजिए, या तो वो मोदी जी के साथ गए उनको धंधा मिला, या मोदी जी गए वापस आए अडानी जी गए उनको धंधा मिल गया। तो मोदी जी क्या विदेश की यात्राएं अडानी जी को धंधा दिलाने के लिए करते हैं? एक ये भी सवाल है। एक सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ी बड़ी बातें आई थी, बहुत हस्तांतरण हुआ, बहुत बातें आई कि नीति आयोग ने
फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक डिवीजन ने कहा कि पांच और छह एयरपोर्ट, पांच पांच छह छह एयरपोर्ट एक व्यक्ति को मत दीजिए, उसको दरकिनार किया गया, एयरपोर्ट दे दिए गए। कहा गया पोर्ट मत दीजिए, सरकार के कुछ अंगों ने इसकी मुखालफत की, जी नहीं, अडानी जी को पसंद आ गए, सारे पोर्ट उनको दिए जाएंगे। तो सवाल आज इस बात का है कि अडानी की जांच आखिर कौन करेगा। सवाल इस बात का है कि जब वो कोयला ला रहे थे और कोयले का दाम 10-10 गुना बढ़ जाता था हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते, और सरकार को चूना लगाया जा रहा था, और जब DRI ने ये चोरी पकड़ ली तो DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हाथ किसने बांधे और किसने मना किया, किसने बोला अपनी जांच पर बैठे रहिए, ये आपका काम नहीं है। आज सवाल इस बात का भी है, राजस्व को घाटा हुआ। राजस्व क्या है? ये हमारा आपका टैक्सपेयर्स का पैसा है। जो 2 रुपए की चीज थी वो 20 रुपए में बेची जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अब सवाल इस बात का है कि अडानी की जांच कौन करेगा। अडानी महाघोटाले में जो शेयर मार्केट की जांच थी वो सेबी को करनी थी, सेबी की कलई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खोल दी है। माधवीपुरी बुच ने ये माना है कि हाँ मेरा निवेश था, तो अगर आपका निवेश था तो आपने ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया। DRI ने रिपोर्ट में कहा है कि हाँ पैसा बढ़ाकर लिया जा रहा था, सरकार को चूना लगाया जा रहा था, उसका क्या दंड मिल रहा है अडानी जी को। राउंड ट्रिपिंग के जो चार्जेस थे उसकी जांच कौन कर रहा है। सेबी ये कहकर तो हाथ से पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक। तो आज सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री कब तक चुप रहेंगे, प्रधानमंत्री अडानी को कब तक बचाएंगे, प्रधानमंत्री कब तक खैर मनाएंगे। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि इतने जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद माधवीपुरी बुच का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। सवाल इस बात का है कि कल को अगर निवेशकों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका जिम्मेदार माधवीपुरी बुच होंगी, सरकार होगी, मोदी जी होंगे या गौतम अडानी होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए उसके मद्देनजर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इस मंच से कांग्रेस पार्टी की विशेष अपील है कि इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे मामले को एक बार दोबारा से खंगालने की जरूरत है, एक बार दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो सेबी के एडमिशन पर लिया था, और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा, उनको पूरा सच नहीं बताया गया, उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अवगत नहीं कराया गया। हमारा अपना मानना है कि अडानी महाघोटाले में लिप्त नरेंद्र मोदी इसकी जांच नहीं कर सकते हैं, इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, एक JPC कर सकती है। JPC का दौर जो दायरा होता है वो व्यापक होता है, JPC में हर दल का व्यक्ति शामिल रहता है, ये दलगत राजनीति से ऊपर होता है, इसमें आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं, आप उनके इनपुट्स ले सकते हैं। बार बार JPC की मांग से आखिर नरेंद्र मोदी क्यों भाग रहे हैं, दाढ़ी में ऐसा कौन सा वो तिनका है जिसको वो छुपा रहे हैं, क्योंकि नहीं, ये दाल में कंकड़ नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल कंकड़ों से भरी और पूरी काली दाल है। इसलिए हमारी मांग है कि पार्लियामेंट के सुपरविजन में एक JPC का गठन हो और JPC इस महाघोटाले की जांच करे, क्योंकि इसमें रेगुलेटर संलग्न पाने की संभावना है, इसमें राउंड ट्रिपिंग का मामला है, इसमें काले धन का मामला है, इसमें राजस्व को घोटाला है, इसमें फेवरेटिज्म का मामला है, इसमें फॉरेन पॉलिसी को शामिल करने का मामला है, और इसकी जांच एक व्यापक एजेंसी कर सकती है, और वो व्यापक एजेंसी सिर्फ और सिर्फ JPC है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सम्मानित पत्रकार साथियों के समक्ष बहुत विस्तार से मैडम सुप्रिया सिनेत जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित जो खुलासा था, किस किस तरह से भ्रष्टाचार है, कहां कहां किस तरह का आपस में साझेदारी भागीदारी है, उसको एक्सपोज किया। और कल मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कल इसी डिमांड को लेकर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग को लेकर इस महाघोटाले को सामने लाने के लिए इसके तथ्यों को और सेबी की चेयरपर्सन के रेजिग्नेशन की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री देवेंद्र यादव जी के लीडरशिप में जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे एक बड़ा प्रदर्शन,
एक विशाल प्रदर्शन जिसमें हमारे दिल्ली के सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता कार्यकर्ता साथी रहेंगे और भी दिल्ली के नागरिक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं वो भी वहाँ आमंत्रित हैं। तो आप सबसे मेरी एक निवेदन है कि कल इसको कवर करने के लिए भी अपना समय दीजिएगा और इस प्रेस वार्ता में आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पर लंच की व्यवस्था ठीक है। सवाल नहीं है कोई सवाल मैं एक आपके लंच की व्यवस्था है उसमें आप 1-to-1 और 10 जो भी आप लीडरशिप के साथ करना चाहें वो करें। हाँ अभी जो आपके सवाल हैं वो आमंत्रित हैं और उन सवालों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 1-to-1 एक व्यक्ति पूछे तो मैं जरूर जवाब दूंगी, दोनों लोगों का जवाब देके जाऊंगी। जी बोलिए। देयर आर टू थिंग्स टू इट एंड प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू से। दिस स्कैम इज सो डीप रूटेड एंड दिस स्कैम स्प्रेड्स अक्रॉस सेक्टर्स। This scam can potentially damage India's economic credibility if it hasn't already. That the only agency which can do a head-to-toe probe of this matter will be a JPC. But because the Supreme Court was kept dark on the alleged conflict of interest of the SEBI chief and her investments in firms associated allegedly with Adani Group, the Supreme Court will have to relook into this matter. That's what we are saying. These are two very different things and they culminate into Mr. Adani and Mr. Modi's nexus coming back to daylight. Yes, that's what I mean to say. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि JPC एक व्यापक समिति होती है। जेपीसी में हर दल का व्यक्ति होता है। इट इज वो दलगत राजनीति से ऊपर होती है। वो एक्सपर्ट्स को बुला सकती है, एक्सपर्ट्स की राय ले सकती है और पार्लियामेंट की देखरेख में इतना बड़ा घोटाला इस देश में हुआ है, दुनिया इसकी चर्चा कर रही है और पार्लियामेंट में चुप्पी रहे, ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ जी एक सवाल, एक जन सिद्धार्थ जी ये नहीं देखिए, हमारे सामने सारे मुद्दे खुले हुए हैं, हमारे सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं। हमारे सामने एक रास्ता है कि हो सकता है हमारे पीएससी चेयरमैन इसको देखें, हमारे सामने ये रास्ता है कि हम सदन में फिर से इस पर जेपीसी की मांग करेंगे। इस देश में किसी को रत्ती भर संदेह नहीं है कि घोटाला हुआ है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कौन करेगा? आपने सभी को दिया, सभी की चीजें आ गई सामने, सभी ने झूठ बोला, पूरा सच नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसकी जांच कौन करेगा? और सभी का भी जो एक दायरा होता है वो व्यापक नहीं है, वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवर मैनिपुलेशन की बातें कर सकता है। पूरी व्यापक जांच करना जेपीसी का काम है। हम जेपीसी की मांग करेंगे और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वेणुगोपाल जी अब पीएससी के चेयरमैन हैं, जो सर्वसम्मति बनेगी, जो ठीक लगेगा पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, हमारे सामने सारे रास्ते खुले हैं। राजेंद्र सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर लेना चाहिए कि इतने व्यापक पैमाने पर सब हर तरफ से हो रहा है, जे पी सी का अगर वो मांग नहीं मानते हैं तो क्या कोई पार्टी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस पर एक जजमेंट दिया है और अब ये पूरी तरह से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को की समिति के सामने जो लोग आए उन्होंने शायद पूरा सच नहीं बताया, उन्होंने शायद समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखा, उन्होंने समिति के सदस्यों को शायद मिसलीड किया। तो अब मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये तो कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है एक्चुअली, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक बात जरूर कहना चाहती हूँ और ये सबके सामने सवाल आता है कि क्या आप लोग कोर्ट जाइएगा, क्या आप ये करिएगा? हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है चुनी हुई सरकार को जवाबदेह बनाना, हमारा काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करके वो सवाल पूछना तो देश की जनता उनसे पूछना चाहती है। लेकिन सरकार का भी तो कोई दायित्व है ना,
आपका एक डिपार्टमेंट, आपका एक रेगुलेटर, आपका सबसे प्रिय पूंजीपति, उसके ऊपर इतने आरोप लगे और आप आंख मूंद कर क्या दिखा रहे? राम जी जगत बना ही नहीं है, ये सब हुआ ही नहीं है, दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। इस विश्व के चार देशों में अडानी के खिलाफ जो है इस समय जांच चल रही है, हिंदुस्तान में कोई जांच नहीं होगी, तो सरकार का क्या दायित्व है? झुंझुना बजाना? हम आपको झुंझुना नहीं बजाने देंगे जी। माइक No, I think the Hindenburg report has quoted multiple figures. The Hindenburg report has quoted figures of Adani's stock manipulation. The Hindenburg report points us in that one direction. 20,000 crore kiske hain? Wo usi report se aaya hai. The fact that investments were made into a certain firm, wo figure bhi wahan se hai. Jo bhi source of hamara quotation of figures hai, wo us report mein hai. Aur agar aap us report ko dhyan se padhenge, to wo report kaagzon ke saath hai, dastavezon ke saath hai. वो जबानी जमा खर्च पर रिपोर्ट नहीं बनी है। नहीं, लेट मी जस्ट गो अराउंड, दिस टाइम आई विल कम टू यू फॉर सप्लीमेंट। बस अभी सभी को इनविटेशन है, क्योंकि ये पूरे देश में होने जा रहा है, तो सभी लीडर्स अपने अपने स्टेट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन निश्चित ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत सारे सीनियर लीडर्स दिल्ली में जो भी उपलब्ध रहेंगे वो आएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई एससीएसटी संगठनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, भारत बंद को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा हर चीज को लेकर एक स्टैंड है कि इस देश का सबसे पवित्र टेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इसको इतर रखकर अगर सरकार कोई काम करेगी तो हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। फिर वो लैटरल एंट्री हो जिसने आरक्षण को ताक पे रख दिया, फिर वो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो उत्तर प्रदेश में जिसने आरक्षण की अवमानना करी, हम उसकी खिलाफत में खड़े, उसकी मुखालफत करते आपको दिखेंगे, क्योंकि इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का हक मारने का काम लगातार नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ऐसी स्थिति क्यों बनती है? आपने मुझसे भारत बंद पर सवाल पूछा, ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि लोगों के हक का हनन होता है और उनको जमीन पर सड़क पर उतर के अपना हक मांगना पड़ रहा है? क्यों ये विभाजन किया जा रहा है देश में? क्यों सरकार पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की बात नहीं करती है? अपने ऑफिशियल हैंडल से भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है। मैं आज इस मंच से पूछती हूं कि क्या जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसकी मुखालफत करते हैं? जो भी व्यक्ति इस मांग को उठा रहा है, हमारा साथ उसके साथ है, लेकिन सवाल इस बात का है सरकार का क्या मत है, सरकार ये स्थिति क्यों आने दे रही है, और सरकार के कुछ घटक दल जो मीठा मीठा इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं चलेगा, या तो खुलकर विरोध करिए। संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है, आरक्षण के खिलाफ जो काम हो रहा है, इधर उधर की बातें मत करिए। हो गया एक सवाल, राकेश कहते हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पिछली बार किसानों का ट्रैक्टर लाल किले की तरफ चला गया था, अगर 25 लाख किसान उस दिन संसद चला गया होता तो उसी दिन बांग्लादेश हो जाता भारत में, और अगली बार अगर नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने शहादत से सींचा है, तो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।